1947 से अब तक अजमेर में क्या क्या हमारी प्रगति हुई है उसका यहाँ पर लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है अलग अलग विभागों द्वारा। 1947 में हम कहाँ खड़े थे, हमारे जो विकास के जो मानक होते हैं वो क्या थे, हमारे भौतिक संसाधन क्या थे, और आज 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव हम कहाँ पर पहुँचे, ये बहुत ही शानदार प्रस्तुतियाँ संग्रहालय में लगाई गई। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान जेएन सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मेरा आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है, प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव गांधी जयंती के उपलक्ष्य में संग्रहालय में लगी विकास प्रदर्शनी वर्ष 1947 से आज तक के अजमेर के विकास को प्रदर्शनी में किया प्रदर्शित, जिला कलेक्टर ने किया उद्घाटन। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से राजकीय संग्रहालय में अजमेर के विकास को प्रदर्शित करते हुए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारम्भ शनिवार को गांधी जयंती के अवसर पर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित व नोडल अधिकारी जिला परिषद के सीईओ गौरव सैनी के द्वारा किया गया। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि प्रदर्शनी में अजमेर के 1947 की आज़ादी से लेकर अब तक के विकास को प्रदर्शित करते हुए छायाचित्र व कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी आमजन के अवलोकनार्थ शनिवार सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुली रहेगी। उन्होंने अजमेर वासियों से आग्रह किया है कि वो प्रदर्शनी को एक बार आकर अवश्य देखें और अजमेर के इतिहास से रूबरू हों। आज महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर अजमेर म्यूजियम में संग्रहालय में एक बहुत ही शानदार प्रदर्शनी लगाई गई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव इस साल की जो थीम है 75वीं वर्षगांठ की, 1947 से अब तक अजमेर में क्या क्या हमारी प्रगति हुई है उसका यहाँ पर लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है अलग अलग विभागों द्वारा। 1947 में हम कहाँ खड़े थे, हमारे जो विकास के जो मानक होते हैं वो क्या थे, हमारे भौतिक संसाधन क्या थे, और आज 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव हम कहाँ पर पहुँचे, ये बहुत ही शानदार प्रस्तुतियाँ संग्रहालय में लगाई गई। तो हमारा अनुरोध है कि सब लोग यहाँ पर आके देखें। जो स्टूडेंट्स हैं, जहाँ तक मैसेज जाना चाहिए आज़ादी का, गांधी जी के विचारों का, वो इस प्रदर्शनी के माध्यम से जाएगा और इस प्रदर्शनी को आगे जो स्कूल्स हैं उनमें भी प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि बच्चे हमारी आज़ादी के अमृत महोत्सव में पार्टिसिपेट करें और आज़ादी का महत्व समझें। नोडल अधिकारी जिला परिषद सीईओ गौरव सैनी ने बताया कि अजमेर के इतिहास से जुड़ी एक लघु फिल्म भी आज यहां निशुल्क दिखाई जा रही है, जिसमें अजमेर के पूर्व से लेकर वर्तमान तक के विकास को दर्शाया गया है। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसमें सीईओ जिला परिषद को नोडल बनाया गया था, तो सभी विभागों के समन्वय से जो ये कार्यक्रम है वो कराया गया। देखिए यहाँ पे जो प्रदर्शनी है अंदर, उसमें सभी हमारे जो विभाग हैं वो हैं। इनके अलावा जो लघु फिल्म है यहाँ पर वो आज के लिए निःशुल्क चलेगी, जिसमें गांधी जी के बारे में, आज़ादी के बारे में और 1952 में अजमेर कैसा था, वो सब लघु फिल्म भी यहाँ पर प्रदर्शित होगी। बिल्कुल आज ये निःशुल्क रहेगा, यहाँ पर जो भी पुरातत्व विभाग है उनकी तरफ से निःशुल्क किया गया। कार्यक्रम में उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, गांधी जीवन दर्शन समिति के शक्ति प्रताप सिंह राठौड़, शिक्षा विभाग, पुरातत्व विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आज गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर हमारे ज़िला प्रशासन के द्वारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है और गांधी जयंती के भी कार्यक्रम का आयोजन किया है। निश्चित रूप से यह दिवस और इस अवसर पर लगाई हुई प्रदर्शनी हम सब युवाओं को प्रेरणा दे तथा विभिन्न विभागों में 1947 से लेकर के और आज तक अजमेर में क्या क्या विकास हुए इसको दर्शाया गया है, तो हमारे सारे स्कूलों के बच्चे और नई पीढ़ी इसको देखे, तक हम सब लोग हमारे जिन बलिदानियों के आधार पर हमको आज़ादी मिली उनका बलिदान व्यर्थ न जाए और भारत की आज़ादी को इतना मजबूत बनाए कि कोई भी दुश्मन हमारी ओर से आंख उठा करके न देख सके। इस प्रकार का एक भारत को सशक्त और मजबूत जो माननीय मोदी जी बनाने के लिए जुटे हुए हैं,
उन सब के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम लोग आगे बढ़ें। और आज जिस तरह से स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर से मोदी जी ने शुरू किया और आज भी जगह जगह इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, हम इस प्रकार के सामाजिक सरोकारों के कार्यक्रम करते हुए इस देश को आगे ले जाएं, इतना ही मेरा सबसे आग्रह है। एक बार पुनः मैं सबको शास्त्री जी की और गांधी जी की जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ।